हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आपको आज है वो लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोस एप्लीकेशन किसी एप्लीकेशन का रिव्यू कर देना बनाता रहता हूँ। मेरे वीडियोज़ हैं 1 या 2 दिन में अपलोड होते रहते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दोस्तों, करते हैं वीडियो की स्टार्ट। आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है हमारा कि हम क्लिक बेट का आपने नाम सुना होगा। यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं वो कई कई होते हैं क्लिक बेट्स का यूज करते हैं। अब क्लिक बेट है क्या? क्लिक बेट की जानकारी तो एक है, ये है क्लिक बेट। अगर आप लगाते हो तो उससे आपका वीडियो है उसमें व्यूज बढ़ेंगे। मैं वीडियो में तो कुछ और बताऊँ, लेकिन थंबनेल में मैं ऐसा लिखूंगा। मान लीजिए उसमें तो कुछ और थंबनेल में कुछ और, तो वो होता है क्लिक बेट। सीधे सी बात है, अगर आप वीडियो में कुछ और बताना चाहते हो और आप कोई और चीज ऐड कर रहे हो तो वो होगा क्लिक बेट। क्लिक बेट कैसा होता है कि मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हो व्लॉग का, आप मान लीजिए व्लॉग का वीडियो बना रहे हो और आप हमने लगा दिया कि मेरे कार चोरी हो गया, तो वो हो गया क्लिक बेट कि भाई आपका व्लॉग है तो जो आपके क्रिएटर्स हैं, आपके ऑडियंस हैं, वो आपका व्लॉग देखते हैं। तो ऐसे तो पता नहीं वीडियो देखेगी कि नहीं देखेंगी व्लॉग लिखने पर, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दो कि मेरा कार चोरी हो गया तो वो हो गया क्लिक बेट। तो उससे क्या होगा कि इसका कार कैसे चोरी हो गया, तो उसको ज्यादातर लोग देखेंगे, तो वो हो गया क्लिक बेट। मतलब जितना ज्यादा क्लिक बेट हम करेंगे ना अपनी वीडियोज में थंबनेल पर, उतना ज्यादा हमारा व्यूज है गेन होंगे कि भाई वीडियो हमारा किसी और टॉपिक पर है और थंबनेल कोई और बना रखा है, तो वो हो गया क्लिक बेट। सीधी बात, अगर दोस्तों आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए नए नए नोटिफिकेशंस, नए नए जो रिव्यूज हैं उनको मैं आप तक पहुंचाने में पूरी जो कोशिश है वो करता रहूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।